फ्रेंड्स, ये कहा जाता है जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा समाधान और जितनी बड़ी मुसीबत उतने ही बड़े अवसर। आप जानते हैं लॉकडाउन के इस पीरियड में इस समय इकोनॉमी की हालत चरमरा गई है, अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की ओर गिर रही है। डोमेस्टिक ट्रेड ही नहीं इंटरनेशनल ट्रेड भी इस समय खतरे में है। तो ये वही समय है जब हमें निर्णय करना होगा कि आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जो तेज़ी से डेवलप होंगे, जिनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, सफलता के चांसेस कई गुना अधिक होंगे। और यदि आप इस तरह के व्यापार को करते हैं, करने की प्लानिंग करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करते हैं और इस तरह के बिजनेस का शुभारंभ करते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। आप जानते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए ये समस्या अगले कुछ दिनों या महीनों की नहीं, इसका असर आपको कई वर्षों तक दिखाई देगा। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे वो टॉप मोस्ट बिजनेसेस जो लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉरपोरेट ट्रेनर एंड CEO मेटास ओवरसीज लिमिटेड, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आने वाले समय में हमें किस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलप होगी और लग्जरी गुड्स की इंडस्ट्री और लग्जरी सर्विसेज की इंडस्ट्री डाउनफॉल में रहेगी। इसीलिए समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से एसेंशियल सर्विसेज या गुड्स हैं जिसका बिजनेस हमें करना चाहिए, जिसमें हम अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एसेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, काम करने के तरीके में जो व्यक्ति परिवर्तन नहीं करेगा उसका व्यापार या तो घट जाएगा या बंद होने की कगार पर आ जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और लॉकडाउन के इस पीरियड की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग ऑनलाइन एजुकेशन पर बहुत अधिक काम करना शुरू करेंगे। पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे घर बैठकर ट्यूशन अटेंड करें, क्लासेस लें, टीचर से सीखें, समझें, मेंटोरशिप की गाइडेंस में बहुत सारी चीज़ों को समझकर अपने करियर को बेहतर बनाएं। ऑनलाइन एजुकेशन में ऐप बेस्ड, वेब बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलप होगी। आप जानते हैं हाल ही के कुछ समय में शुरू हुई बहुत सारी एजुकेशनल ऐप्स आज करोड़ों का व्यापार कर रही हैं, जैसे बायजूस, एडुकार्ट एंड यूडमी। यदि आप भी एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन को ज़रूर फोकस करें। एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वो सभी कंपनीज आती हैं जो ऐप बेस्ड, वेब बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस B2B हो, B2C हो, B2G हो या B2E हो। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी या खुद की एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री शुरू करके बहुत अधिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में लोग अब ये समझ चुके हैं कि आने वाला समय जो टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का होगा उसमें हमें ऐसे व्यवसाय का सिलेक्शन करना होगा जिसमें हम अपने घर बैठे किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री की स्थापना करें, आप बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर भी अपने प्रोडक्ट को होलसेल में, रिटेल में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से बेच सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ IT इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में जो लोग IT इंडस्ट्री से जुड़े होंगे उनका व्यापार भी बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। IT इंडस्ट्री में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम सर्विसेज और प्रोडक्ट को शामिल करते हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका होलसेल, इनका रिटेल और इनका ऑनलाइन ट्रेड। तो IT इंडस्ट्री में इन प्रोडक्ट्स के अलावा अगर आप IT इंडस्ट्री की एक्सेसरीज में भी काम करते हैं, जैसे चार्जर, बैटरीज, कनेक्टर, माउस, कैमराज, लीड्स, केबल, अडाप्टर्स, ये सारी चीज़ भी IT इंडस्ट्री का ही पार्ट हैं। इसके अलावा IT इंडस्ट्री में अगर सर्विसेज की बात करें तो इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस भी बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे। एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। मेडिकल इंडस्ट्री का बिजनेस जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और नेचुरोपैथिक मेडिसिंस का बिजनेस तेज़ी से डेवलप होगा, न केवल डोमेस्टिक ट्रेड में बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी होने वाली है, जिसमें आप रिटेल, होलसेल, B2B, B2C बिजनेस करके या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करके भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेडिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स की भी डिमांड और हाइजीनिक इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत तेज़ी से डेवलप होगी, जैसे सैनिटाइज़र, मास्क,
अलग अलग तरह की टेस्टिंग किट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल दोनों तरह के होते हैं। आप फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री में ट्रेडिंग, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर भी बहुत बड़ा ट्रेड कर सकते हैं और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री तेज़ी से डेवलप होने वाली इंडस्ट्री में से एक है। फ्रेंड्स, इस समय महामारी अपने चरम प्रकोप पर है, इसीलिए लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। इसीलिए आने वाले समय में फिटनेस इंडस्ट्री तेज़ी से डेवलप करेगी, क्योंकि जिम, स्पा, स्विमिंग पूल्स ये सभी तरह से लॉकडाउन है, तो इस अवस्था में लोग होम बेस्ड जिम इक्विपमेंट्स की डिमांड करेंगे और वो सारी चीज़ें जो फिटनेस इंडस्ट्री में आती हैं। साथ ही साथ फिटनेस इंडस्ट्री के सर्विस प्रोवाइडर की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लाइक जिम इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, योगा ट्रेनर, एरोबिक जुम्बा ट्रेनर, ये सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से लोगों तक या ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से लोगों तक उन ट्रेनिंग को डिलीवर कर पाएंगे। इसीलिए फिटनेस इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों की इंडस्ट्री बूम पर रहेगी। एंड द नेक्स्ट FMCG इंडस्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, वो सारी चीज़ें जो हम हमारे दिनचर्या में जिनका इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर का सामान होता है, जैसे हमारी ग्रॉसरी, हमारे पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें आप ऑनलाइन ट्रेड भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन ट्रेड भी कर सकते हैं, आप होलसेल भी कर सकते हैं, आप रिटेल भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा वर्तमान में भी बहुत कम ऐसी कंपनी हैं जो ग्रॉसरी जैसे प्रोडक्ट को बहुत जल्दी सप्लाई दे पाती हैं। यदि आप इस तरह से अपने बिजनेस को डिज़ाइन करें जहाँ फास्टेस्ट सर्विस के साथ आप ग्रॉसरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, इनकी सप्लाई अगर कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप लोगों के लिए होने वाली है। आने वाले समय में लोग मार्केट में भी जाना पसंद नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि किसी न किसी ऐप या किसी न किसी वेब के माध्यम से या ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से हम किसी भी प्रोडक्ट को घर बैठे आसानी से मंगा सके। और आपने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री ग्रो हुई है वो है ऑनलाइन शॉपिंग की। तो ऑनलाइन शॉपिंग का पहले क्रेज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन अब ये एक बेसिक नेसेसिटी बन जाएगी, एसेंशियल चीज़ बन जाएगी। लोग हर चीज़ को ख़रीदने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन देखना पहले पसंद करेंगे, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिव होगा और रिटर्न पॉलिसी कंज्यूमर फेवरेबल होगी। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ में फास्टेस्ट सर्विस देने वाली इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो करेगी। एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ डिलीवरी बेस्ड इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो सभी इंडस्ट्री की बैकबोन के रूप में काम करती हैं, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे B2B हो, B2C हो, B2G हो, डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो। डिलीवरी इंडस्ट्री के बिना कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। इसमें शामिल हैं कुरियर बेस्ड इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक बेस्ड इंडस्ट्री, डिलीवरी बेस्ड इंडस्ट्री एंड डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, चाहे वो जोन बेस्ड हो, लोकल हो, इंटर स्टेट हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। तो अपने आप में आज बहुत सारे लोग एक नए यूनिक मेथड पर काम कर रहे हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन डिलीवरी प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री। आज डिलीवरी बिजनेस अपने आप में एक बिजनेस बन गया है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दूसरी कंपनीज को सपोर्ट एंड सर्विसेज देते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री, दैट इज़ रिलेटेड टू डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर वेब डेवलप हो रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स, इंडस्ट्रीज, ऑनलाइन ई कॉमर्स डेवलप हो रहा है, तो उन सभी को एडवर्टाइज़, उनकी मार्केटिंग, उनकी प्रमोशन करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की भी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ को हायर करती हैं जो उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज, उनके ब्रांड को प्रॉपरली एडवर्टाइज़ कर सके। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो फ्रीलांसर या फुल टाइम और पार्ट टाइम ऐसे एग्जीक्यूटिव्स की तलाश करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनके लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए जो अगली इंडस्ट्री बूम पर होगी वो होगी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें आप एज ए एजेंसी काम कर सकते हैं। और जब एजेंसी की स्थापना होगी तो बहुत सारे प्रोफेशनल की डिमांड भी मार्केट में जनरेट होगी, तो आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करके भी इस इंडस्ट्री को सर्विसेज एंड सपोर्ट दे सकते हैं और डिजिटल मार्केटर डेवलप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटर डेवलप होने के बाद बहुत सारे लोग फ्रीलांसर काम करेंगे,
कुछ लोग फुल टाइम काम करेंगे, कुछ लोग पार्ट टाइम काम करेंगे, कुछ लोग एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर काम करेंगे, और ये इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स या ऑफलाइन कंपनीज होंगी वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए SEO, SMO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड, एडवर्ड प्लानिंग और बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करेंगी, जिसकी वजह से उनको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सख्त ज़रूरत होगी। आप लोग जानते हैं पिछले 8 वर्षों से हम एज ए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब तक हमारे यहाँ से ट्रेंड होकर जा चुके हैं, जो या तो एजेंसी चला रहे हैं, या खुद के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी खुद एज ए डिजिटल एक्सपर्ट अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं। मेरा अगला फ्री सेमिनार कब होने वाला है इसकी जानकारी के लिए आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें। तो अगला फ्री वेबिनार कब है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी।